रक्षित फर्स्ट टाइम आप मीडिया के सामने आए हैं और बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा दुखी है। फ्रेंडशिप के लिए जो आप इतने आपने सालों से अपना इतना टाइम, इतना प्यार, इतना जज्बा, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, यू आर रियली हर्ट। हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरेस करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूँ, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेड्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूँगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेड्स किए हैं, और या वो उनका उनके दिल में ही ये बात थी कि राजश्री को एक ना एक दिन थ्रेड्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है, तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है, तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे, साइड में डाल दो, आप फेस के थोड़े से सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट राखी सावंत फॉर डिफेमिंग मी एंड कॉजिंग थ्रेट्स टू मी ऑफ रूइनिंग माय बिजनेस बाय मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। सर, आई द अबव नेम्ड रेसिडिंग एट द अबव मेंशनड एड्रेस वुड हियरबाय लाइक टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस राखी सावंत फॉर द रीजन मेंशनड हियर आफ्टर। फर्स्ट, आई स्टेट दैट सिंस लास्ट फ्यू डेज मिस राखी सावंत हैज बीन कॉजिंग मेंटल हैरेसमेंट टू मी बाय कॉजिंग मी थ्रेट्स that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Miss Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you, yours faithfully, Rajesh Dimore. Thank you.